तो गांव घर बचाओ, पानी बचाओ, बांध का निर्माण करो। युवा चेतना ने पूर्वांचल के कई जिलों में एक यात्रा निकाली और जनता के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। युवा चेतना की गांव घर बचाओ यात्रा बलिया के मालदेपुर गांव पहुंची और घर घर जाकर लोगों से हैबतपुर और एक दर्जन गांवों को बचाने के प्रयास के लिए समर्थन मांगा। बलिया के नसीराबाद गाँव से शुरू हुई ये यात्रा मुबारकपुर, देवरिया कला, सरफुद्दीनपुर, दरामपुर, खोड़ी पाकर गांवों से होकर गुजरी और लोगों को जागरूक किया। संयोजक रोहित ने कहा कि उज्ज्वला योजना का प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पूरे देश में किया, परंतु आज उज्ज्वला की जन्मभूमि हैबतपुर सहित एक दर्जन गांव और शहर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और प्रदेश की सरकार सोई है। युवा चेतना मंच पूरी ताकत के साथ बांध निर्माण हेतु प्रयासरत है। सिंह ने कहा कि योगी सरकार को जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सड़क पर जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा चेतना को जनता सहयोग करे, हम परिवर्तन करेंगे। रोहित सिंह ने कहा कि गांव घर बचाओ यात्रा का समापन के बाद बलिया में बांध निर्माण को लेकर बड़ा प्रदर्शन होगा। इस मौके पर युवा चेतना मंच के अजय राय, राहुल राय, शिवम राय मुन्ना, बैजू राय समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहुंची है और हमने घर घर जाकर के जनता से समर्थन मांगा है बांध बनवाने के लिए। मोदी साहब और योगी जी ने उज्ज्वला योजना का प्रचार पूरे देश में किया, पूरे विश्व में किया कि हमने गरीबी मिटा दी, सिलेंडर घर घर पहुंचा दिया, लेकिन उज्ज्वला योजना की जन्मभूमि हैबतपुर सहित एक दर्जन गांव और बलिया शहर पर खतरा मंडरा रहा है गंगा नदी के कटान का। कहीं ऐसा न हो कि जयप्रकाश नारायण चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मंगल पांडे जी और चीतू पांडे जी की जन्मभूमि ही विलीन हो जाए, तो उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। इस लड़ाई को युवा चेतना पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ रही है और आगे लड़ेगी, क्योंकि योगी सरकार पूर्णतः विकास के मामले पर फेल हो चुकी है और 2022 में उत्तर प्रदेश में युवा चेतना का जो महापरिवर्तन का संकल्प है वो साकार होगा।